मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन टाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखन लई हुणे सब्सक्राइब करो अते बेल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। हम जो बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोय अद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक अमृत के दाते सरबंस दानी सतगुरु जिन्हां दे चरणां दे नाल पावन पवित्र हुई धरती दे उत्ते जिन्हां दे पावन खून दे नाल सरसबज हुई धरती दे उत्ते शब्द स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद दे अंदर महापुरखां दी सत्कार योग संत बाबा निदान सिंह जी उन्हां दी सलाना वर्सी दे उत्ते उन्हां दी याद नूं मुख रखदिया होया एकत्र हो रहे खालसा जी सब तों पहलां गुर मर्यादा नूं ध्यान विच रखदिया होया गुर फतेह दी हाजरी लवाईए प्यार विच भिज के सर्ब संगतां करो कृपा आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो महापुरखां दे जीवन दे विचों उस लड़ी दे विचों आप जी विद्वान पुरशां दे पासों कुछ ना कुछ अंश कुछ ना कुछ हिस्सा सरवण कर रहे हो। अंदरली आवाज दो जी रिटर्न नहीं आ रही। ते गुरु प्यारियो दोपहर दे दीवान विच दास ने बेनती कीती सी दर्शन दे विषय दे उत्ते हुण भी ज्ञानी निरपै सिंह उन्होंने सुपन दर्शन दा आप नाल जिक्र सांझा कीता है। दास ने बेनती कीती सी सरवण दर्शन की हुंदा है गुरु की बाणी दा जो गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ दीदार है ये सरवण दर्शन है जिहड़े गुरमुखां ने सरवण कीता उन्हां दे ध्यान विच होवेगा बई जपजी साहिब दे विचों सानू गुरु नानक साहिब दे दीदार होने चाहीदे ने नहीं हो रहे कितना कितने साडे पाठ सरवण करन विच जां पाठ करन विच सुरत दा खंडा है जां कोई होर कारण है। जाप साहिब दी बाणी पढ़दियां दशमेश पिता कलगीधर सच्चे पातशाह दे दीदार होने चाहीदे ने अर गुरमुखां नूं हुंदे ने। आनंद साहिब दी बाणी दा नितनेम करदियां गुरमुखो धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह दे दर्शन होने चाहीदे ने। सुखमनी साहिब दे विचों अगर गुरु अर्जन देव साहिब दे दर्शन दीदार नहीं होए ते किते ना किते एकाग्रता कमजोर है ये सरवण दर्शन है सुपन दर्शन है ते जेड़ा चौथा जा आखरी स्वरूप है ना दर्शन दा जिनू प्रतख दर्शन कही दा हुण चित्र दर्शन किसी दा चित्र तस्वीर वेख लैनी दर्शन ते होए ने पर याद रखना अजे कुछ कमी भी है। सरवण दर्शन दे विच किसे शख्सियत नूं समझिया भी किहो जिहा बंदा होवेगा पर अजे पूर्ण मिलाप नहीं। इसे तरह सुपन दर्शन बड़े महान ने जिन्हां दा जिक्र चल रहा सी पर यह भी याद रखना भी सुपने आया भी गया मैं पर रोमा सोए। सुपने दा दर्शन एक झलक है पर किते ना किते एक चोट छड के जांदा एक खपा छड के जांदा। प्रतख दर्शन
जेडे दर्शन बाबा निधान सिंह जी उन्होंने होए ने ते मैं गुरु की बाणी विचों एक दो प्रमाणा राही आप नाल सांझ पावां भी जिन्हां दर्शनां दी तड़प हुंदी है ना। गुरदेव कहिंदे दर्शनां दी भी एक प्यास है, आप जी पढ़दे सुणदे हो, दर्शन प्यासी दिन सरात चित बाओ अन दिन नीत। जिन्हां नूं दर्शनां दी सिक लगदी है ये प्यास वर्गा एक प्रभाव साडे हिरदे विच हुंदा है। ये याद रखना, प्यास लगी होवे ना पानी दी प्राप्ति नहीं हो रही ते प्यास वधदी जांदी है। पानी दी प्राप्ति विच जिन्नी ज्यादा देरी हुंदी जांदी है गुरमुखो प्यास तड़पाउंदी जांदी है। जिन्हां नूं दर्शनां दी प्यास लगी होवे, धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज, मैं ये प्रमाण आपके सामने दुपहरे भी किया सी, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर बहे बह चले जियो। ये भी दर्शनां दा कहीए भी इच्छा जदों जागदी है, प्यास जदों लगदी है, इस प्यास दा प्रभाव साडे जीवन ते जां गुरमुखां ते पैंदा है, नीर बहे बहे चलै जीओ। मैं प्रमाणा विच ज्यादा समा इस करके नहीं लाउणा चाहुंदा भी सीमित समय विच गल पूरी हो जानी चाहीदी है, पर दो महापुरखां दा जिक्र करके मैं अगे तुरां। एक महापुरख जिन्हां नूं अपने पिछले जन्मां दा ये कहीए भी सारा दृश्य अपनी सारी हिस्टरी एक मूवी की तरह सामने आई है, ते मौजूदा जन्म के उत्ते ध्यान फोकस किया, प्रेजेंट बिरती विच आके एक अरदास भी करते ने, अपनी पीड़ा नूं बयान भी करते ने, ते धन गुरु अर्जन देव साहब दियां नजरां विच प्रवान चढ़े इस महापुरख के बचन ने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे, क्यों जी कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे। गल ते दर्शना दी तड़पदी है ना। एक होर महापुरख जी का शरीर बुढ़ेपे ने ग्रसिया होया, उस बुढ़ेपे विच जाके अपने अंगां दी हरकत करनी भी जिथे मुश्किल जापदी है, जवानी दे दिनां नूं चेते करके कई श्लोक जां शब्द उन्होंने उचारे ने, ते गुरमुख प्यारे आखर एक दिन कह उठे मुराद है भगत फरीद जी तो, कहण लगे कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत शुहो प्रतख दर्शन, ए दोए नैना मत शुहो फिर देखन की आस। अजे आस उम्मीद लाई बैठा है कि मेरा खुदा मेरा वाहिगुरु मैनू प्रतख दीदार जरूर बख्शेगा। दर्शना दे नाल जिन्हां दी सुरत टिकी है उते कह उठदे ने करबत भला ना करबट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी हो बारी मुख फेर प्यारे, करबट दे मोहे काहे को मारे। दर्शना तो वांझा रख के क्यों मार दे पयो, वितरे सिर ते आरा चल जावे मैनू बड़ा खुशी नाल प्रवान होवेगा। मौत प्रवान है सिख नूं पर दर्शना तो वांझा रहना उहदा जीवन नहीं। इसे करके ते अरदास आपां करनी आखना है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। गुरमुखो अरदास रूपी एक पंक्ति तुसी साथ देना, आपां पढ़िए अरदास सचे पातशाह दे चरणां विच करिए। दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो
दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे। गुरमुखो धन सतगुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह एक शब्द दे राही इन्हां दर्शनां दी एक बड़ी सुंदर व्याख्या साडे सामने रखदे ने। की आखदे ने याद रखना, इस शब्द दे विच सरवण दर्शन भी शामिल ने, प्रतख दर्शन भी, सरवण दर्शन भी, दोवां दा जिक्र पातशाह ने इकट्ठिया कीता। मैं इस शब्द दी व्याख्या ते नहीं करांगा, केवल शब्द तुहाडे सामने रखांगा और तुहानू समझ भी बड़ा सौखा आवेगा। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी आखदे ने, कहिंदे गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम कोशी परो होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लहारा भयो गुनी गहीरा, रविदास तुभंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, दर्शन पाया सहन नाई बुतकारिया ओह कर कर सुनिया, हिरदय बसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया। अगली पंक्ति वल विशेष ध्यान देना, एह बिद सुन कै सरवण दर्शन क्यों रहे ने, एह बिद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया तन्ना बड़ भागा। भगत तन्ना दी जिन्हां प्रतख दीदार होए ने, यह गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह की गवाही है। प्रतख दर्शन गुरु प्यारियो, इस धरती ते आ जाइए कृपालू सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे, अनेक कौतक ने इस धरती दे उत्ते, तुसी दर्शन दीदारे भी कीते ने, ते दर्शन दीदारे उस इतिहासक स्थान दे तुसी करदे हो, ते जिस वेले साहब सच्चे पातशाह कत्तक शुद्धि पंचमी वाले दिन जिन्हां दे शरीर ते अज सुंदर वस्त्र ते शस्त्र सजे होए ने, परदा कनात तणी होई है, ते ऐलान हो चुकिया भी अज सचखंड प्याने ने दीदारे आखर है। उस दिन भाई धर्म सिंह वर्गे ओह सिख भी उत्थे हाजर सी जिन्हां ने पातशाह दी एक आवाज दे उत्ते अपना सीस फेट कर दिता सी, होर प्यार वाले हाजर सन, ते पातशाह दे अंतम दीदार कर रहे सन। विछोड़े दी तड़प सी विछोड़ा सुने दुख, बिन डिठे मरियौंद बाज प्यारे अपने एक तिल पीना ती रोंद। उस अवस्था दे विच अथरू ने प्यार दे विछोड़े दी तड़प नाल साहब सच्चे पातशाह समेत दे समेत घोड़े समेत शस्त्रां दे एक केवल निशानी मात्र अपने दमाले दी श्री साहब छड्ड दी निशानी ते बाकी सारे शस्त्र भी सचखंड प्याना कीता। ते उस तो बाद गुरमुखो जड़ी खालसे दी हालत सी ना, ओ कह लईए भी चमड़े दे बुत्तां वर्गी हो गई सी, शरीर सन मानो अंदरों रूहां उड़ गईयां सन, इन्ना विराग दी दशा दे विच खालसा गुरु के सिख इत्थे विचर रहे सी। अर विछोड़ा किते छोटा नहीं सी, उस दशा दे विचों खालसे नूं अपने सिखां नूं कढ़न वास्ते मेरे कृपालू सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज रतन नाम दे एक साधु नूं प्रतख दर्शन बख्शिश करदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, यह प्रतख दर्शन ने। अर प्रतख दर्शन बख्श के गुरदेव पातशाह ने प्रसाद भी बख्शिया है, ते नाल सुनेहा भी दिता पंथ नूं के महात्मा जी संत जी जाके सिंघां नूं कह दिओ भी मैं गया किते नहीं, तुहाडे विच ही वरतदा हाँ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ
दक्षिण पछम दिशा दे विच एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है पूना, ते पूने दे नाल एक शहर है सतारा। इस जेल दे विच, इस शहर विच जिहड़ी जेल है ना, उस जेल दे विच दो राजे कैद कीते ने, छोटे रियासतां दे राजे। एक दा नाम है बाला राव, दूसरे दा नाम है रुस्तम राव। जदों भाग जगदे ने पातशाह कहिंदे बंद खलासी भाणे होए, बंदियां भी उहदे भाणे विच हुंदियां ने, खलासी भी उहदे हुक्म विच हुंदी है। मानो इन्हां दा खलासी होण दा वक्त आ गया। जिहड़ी बैरक दे विच बंद सन, उस बैरक दे उत्ते जिहड़ा ड्यूटीदार सी, पहरेदार सी ना, उह कोई गुरु का सिख उहदी ड्यूटी लग गई है। हुण सिख दा जीवन है, मैं बेनती करा महापुरखां दी प्रेरणा गुरु दी कृपा इस स्थान ते भी बहुत ज्यादा है। आ जिस सरां दे विच दास दा कमरा है, बाबा बुढ़ा जी वाली सरां, उहदे विच इक गुरमुख प्यारा लिफ्ट दे विच सेवा निभाउंदा एलीवेटर दे विच, ते जिन्नी वारी भी रोज चढ़ना उतरना हुंदा, जदों उहदी ड्यूटी हुंदी है, उस गुरमुख दी रसना ते गुरु की बाणी दा पाठ, गुरमंत्र जां मूल मंत्र हमेशा चलदा हुंदा। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੰਤਰ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੂ ਨੇ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੀ ਚੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਾਧੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ।
गुरदेव दी साहब दी होई कृपा अमृत वेले ये दोवें ही राजे सिमरन विच टिके होए ने कलगीधर सच्चे पातशाह नूं याद करदे ने ते गुरमुख प्यारिओ नेत्र पहलां भावें बंद सी ते इन्ना कु प्रकाश उहनां दी बैरक विच होया ये याद रखना वह वाहिगुरु प्रकाश स्वरूप है सरगुण रूप से आपां सारा वेखदे आ ते निर्गुण रूप दे विच जदों ओ किते वरतदा ना ओ प्रकाश रूप होके वरतदा उहदा सूक्ष्म संसार है ये भी एक अलग विशा है। इस नूं भगत कबीर जी ने नूर कह दिता है जिहड़े सलोक उचारे ना एक नूर ते सब जग उपजिया एक नूर तो एक प्रकाश तो इस सृष्टि की रचना मेरे वाहिगुरु जी ने की है। प्रकाश होया उस प्रकाश का इन्ना तेज प्रकाश है जिदे प्रकाश के अगे करोड़ा सूरज भी छोटे पै रहे हैं। जप सब पढ़ने वाले गुरमुखो कलगीधर सच्चे पातशाह ने बचन कहे ने ना भी नमो सूरज सूरजे नमस्कार है उस वाहिगुरु जी नो जेड़ा सूरजां दे अगे भी सूरज हो निबड़दा है जिहदे अगे सूरज भी छोटे छोटे पै जांदे ने। नमो चंद्र चंद्रे ओ चंद्रमा दा भी चंद्रमा अगे वड्डा स्वरूप है ते उहदे अगे चंद्रमा दा प्रकाश भी बड़ा मामूली जापदा है। तेज प्रकाश होया आवाज आई कन्नां विच सुनाई दित्ती आओ प्यारिओ तुहाडी खलासी कर दईए। आवाज सुनी ध्यान दिता की वेखते ने मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह दा प्रतख स्वरूप मानो ओही स्वरूप जेड़ा कत्तक शुद्धि पंचमी नूं इक कनार ते उल्ले होया सी ते ओही स्वरूप उहनां नूं प्रकाश विच दिखाई दे रहा। आखो सतनाम प्रतख दर्शन आख्या उठो घोड़े दियां रकाबां फड़ो बिना देर कीतियां उन्हां दे बिस्मादी आनंद विच गईयां होईयां सुरतां ने घोड़े दियां रकाबां फड़ियां मेले कलगीधर सच्चे पातशाह ने बिना देर कीतियां। उत्थे समें दा प्रभाव नहीं है वो अकाल स्वरूप है उत्थे समां प्रभावित नहीं कर सकदा। एक छिन मात्र समें दे अंदर मनवाड़ स्टेशन ते जिहड़े ट्रेन राहीं आपां आउंदे आ ना उह जाणदे ने वी रस्ते विच मनवाड़ इक स्टेशन पैंदा है उत्थे जाके जंगलां दे विच इन्हां राजियां नूं पातशाह ने उतार दिता सी इन्हां दी खलासी कर दित्ती सी। इह प्रतख दर्शन इह दूसरी वारी कलगीधर सच्चे पातशाह दे जीवन दी मानो साखी है जदों प्रतख दर्शन मेरे सच्चे पातशाह जी बख्शिश करदे ने। समां नेड़े जा रहा है मैं आ जावां बाबा निदान सिंह उहनां वल क्योंकि अजे होर भी प्रमाण आपां सांझे कर सकदे हां पर जिस वेले बाबा निदान सिंह हुण इस इतिहास नूं तुसीं महापुरखां तो बहुत बारी सुनिया सतकारयोग बाबा नरेंद्र सिंह जी ते मेरे सतकारयोग बाबा गुरदेव सिंह जी होर बहुत सारे महापुरख स्टेज ते पहुंच चुके ने इन्हां दी रसना तो तुसीं इह इतिहास कई बारी सुनिया। जिस वेले बाबा निदान सिंह जी एक निराश मुद्रा विच पहुंचदे ने एक निराश बैराग दी हालत उन्हां दे हिरदे विच बनदी है ते इथों तक ख्याल बन गया भी वापस पंजाब चले जाईए। कुछ भरावां ने किरपा कीती जां वरता इहो जिहा कीता बैराग दशा दे विच वापस जाण वास्ते रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच गए ने। उस वेले अपने प्यारे इस सिख नूं बैराग दी दशा विच वेख के मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह तो सहण नहीं जिहा। एक मां होवे भावे पिता होवे पुत्र दा बच्चे दा चेहरा थोड़ा जिहा भी मुरझा जावे मां बाप चिंता विच ग्रस जांदे ने दस बारी भी बारी पुछदे ने पुत्र तकलीफ की है तेरा चेहरा मुरझाया क्यों है की कोई शरीर दी पीड़ा ते नहीं कोई दुख ते नहीं जां कोई होर तेनू समस्या ते नहीं इहो जिहा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तां पौ कहिआ काड़ा जीओ। उस हालत विच अपने इस प्यारे सिख नूं वरोसाए होए सिख नूं जदों वेख्या ते आख्या निदान सिया मरजाउंदा क्यों है अजे ते बहुत वड्डी सेवा करनी है। 1912 दे विच महापुरख आए सी ना
ते 1912 दे विच महापुरखां ने आके इत्थे सेवा आरंभ कीती सी। माफ करना 1900 विच आए ने ते 1912 दा शायद इह वाकिया हां दर्शन वाला वाकिया 1912 दे विच इह वाकिया होया। 109 साल इस वाकिया नूं हो चुके ने ते इह दीदार महापुरखां नूं प्राप्त होए। बहुत सारे बचन होए जिन्हां विच खास करके प्रमुख बचन तुसीं जाणदे हो, खीसा मेरा हथ तेरा। सो गुरु प्यारे ये प्रतख दीदार ने आपां भी अरदास करिया करिए सच्चे पातशाह जी हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जाए करन के मेरे साहब कृपा। सुरत जागेगी अपने पंध ते चलेगी, एक दिन ये सुरत वाहगुरु दे विच सरूप दे विच लीन होवेगी। इन्हें एक शब्द प्रवान करने रोम रोम शुकराना है साहिब सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का धन्नवाद है आप सर्ब संगतां दा ते उस संस्था विच उस संपर्दा दे विच तुसी कहिए भी महापुरखां दी संगत करदे हो। सत्कार योग बाबा नरिंदर सिंह जी, सत्कार योग बाबा बलविंदर सिंह जी, जिन्हां दा आपसी प्यार जिन्ना कि मैं तकिया एक जोत दोए मूर्ति वर्गा है, बड़े प्यार नाल संगतां दी सेवा भावना दे सहित कर रहे ने। आप सर्ब संगतां दा सहयोग है। सो इसे तरह आपां जुड़ मिल करके गुरमुख प्यारिओ तत्पर रहिए सेवा विच भी सिमरन विच भी। सो भुल्लां चुक्कां दी खिमा महापुरखां समेत प्रबंधकां गुरमुख जनां दा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। असीस बख्शिश करो जी, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।